हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीता बिश्नोई। ये अरेबियन वैक्स आईवी का प्लांट है और ये बहुत ही खूबसूरत एक वाइन फॉर्म में बेल नुमा प्लांट है, जो अगर हैवी है इसकी लीव्स तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है तो नीचे ये ऐसे ट्रेल करने लगता है, और अगर आप सपोर्ट दें तो ये आप इसको सपोर्ट के साथ थोड़ा वर्टिकली भी ग्रो कर सकते हैं। मगर वैसे इसकी लीव्स, इसकी स्टेम स्टॉक्स थोड़ी हैवी होती हैं, इस वजह से ये ट्रेल करेगा। इसमें थोड़ी टेंड्रल्स भी निकलती हैं, मगर जैसे हम लोग का मनी प्लांट क्लिंग कर जाता है मॉस्टिक पे, वैसे नहीं क्लिंग करता। मगर आप ज़रूर इसको टाई करके थोड़ा सपोर्ट देके बहुत अच्छे से अलग अलग तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लीफ एकदम वैक्सी होती है और इसकी ओवल शेप होती है और बहुत ही खूबसूरत लीफ है। सबसे बढ़िया चीज़ इस प्लांट की ये है कि ये बहुत इजी टू ग्रो है, इजी टू केयर। पानी एक आध बार भूल गए, बहुत फर्टिलाइज़र नहीं मांगता, लो फीडर है और ये थोड़े वार्मर टेम्परेचर्स में भी चल जाता है और ज़्यादा विंटर्स होती हैं तब भी चल जाता है। मतलब ये काफ़ी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो ये बालकनी और टेरेस के लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पर आप अगर कई बार टाइम नहीं मिलता आपको तो गार्डन में नहीं अटेंड कर सकते, तो ये प्लांट ज़रूर अपने घर लेके आए। ये ग्रीन है, एवरग्रीन, पूरे साल रहेगा और कम केयर में, और ग्रीन होने की वजह से ये बहुत ग्रीनरी भी देगा आपके टेरेस गार्डन या बालकनीज में। बालकनी के रेलिंग्स पे भी बहुत अच्छे से आप इसको ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि बाकी प्लांट्स अगर आप ट्रेल कराते हैं तो टेम्परेचर की वजह से गर्मियों में ख़राब हो जाता है, सर्दियों में भी वो प्लांट बहुत कोल्ड की वजह से ख़राब हो जाता है, मगर ये वाला प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इसकी प्रोपोगेशन भी बहुत सिंपल है, कटिंग से भी लग जाता है, इनफैक्ट ये एक लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाता है, और मैंने इसको छोटे से छोटे कंटेनर में देखिए लगाया हुआ है, और ये भी डबल कंटेनर है, येलो वाला तो और भी छोटा है, बस छोटी सी टहनी लगा दी और ये प्लांट हो गया। और एक और प्लांट दिखाती हूँ आपको जो टोटल शेड में रखा हुआ है मगर फिर भी एकदम ग्रीन है। ये है वो प्लांट, और ये भी बहुत बड़े कंटेनर में नहीं है, ये भी छोटे कंटेनर में है, और ये भी हम लोग ने इसको थोड़ा सा सपोर्ट दे के इसको ऊपर लगाया हुआ है, और इसकी टेंड्रल्स आप देख सकते हैं, ये लंबी लंबी टेंड्रल्स निकलती हैं, ये थोड़ा सपोर्ट करने में हेल्प करेंगी। यही मदर प्लांट है जिससे मैंने सारे प्लांट्स बनाए हुए हैं छोटे छोटे। हम लोग ने देखा ये कितने इजीली ग्रो करता है और अलग अलग इनोवेटिव वे में आप इसको लगा सकते हैं। अब इसकी छोटी सी केयर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी लोकेशन। जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, ये बहुत वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह जाता है, तो इसको आप जहाँ लाइक करते हैं, जहाँ आप एस्थेटिकली पसंद करेंगे इसको रखना, वहाँ रख सकते हैं। वैसे जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है मई जून की, तब तो आप शेड सब प्लांट्स के लिए लगाते हैं, इसके लिए भी लग जाएगा। तो ये इसकी लीव्स थोड़ी स्कॉच या येलो होनी कम होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी वाटरिंग। इसकी वाटरिंग तभी करें जब ये टॉप लेयर ड्राई हो जाए। जब तक ड्राई नहीं होता, जब तक इसमें वाटरिंग ना करें। बहुत ज़्यादा वाटरिंग हो और पानी ड्रेन ना हो, तब मेजर रीज़न होता है इसका ख़राब होने का। वैसे ये टफ प्लांट है, मगर बहुत ज़्यादा पानी में रहने से इनफैक्ट ज़्यादातर सब प्लांट्स का मेजर रीज़न ख़राब होने का यही होता है। रूट रॉटिंग शुरू हो जाती है और फिर प्लांट सर्वाइव कराना बहुत मुश्किल होता है। फर्टिलाइज़र इसका अगर देखें, इसको साल में दो बार फर्टिलाइज़ कर रहे हैं, फेब में और अक्टूबर में, उसके बाद इसको कुछ खास फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी लो फीडर है, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बनाती हूँ फरवरी के लिए और अक्टूबर के लिए। उसमें नीम खली, सरसों खली, साथ में काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट को फर्मेंट करके गुड़ के साथ वो इसमें दे देती हूँ लिक्विड, वो एनफ हो जाता है। अगर आपके पास वो नहीं है, खाली काउडंग मैन्योर डाल सकते हैं लिक्विड फॉर्म में या थोड़ा क्रश करके। प्रोपोगेशन बहुत सिंपल है, कटिंग से हो जाता है, लीफ से भी प्रोपोगेट हो जाता है। आप मैच्योर लीफ यहाँ से ले लें एकदम नोड से,
और फिर उसको पानी में लगा दें, बहुत इजीली उसकी ग्रोथ होती है। इतनी सिंपल केयर इसकी ज़रूर लेके आए अपने घर। और ये बहुत ही प्रिटी ये प्लांट, ऑर्नामेंटल लीफ वाला। अगर आपको और भी ऐसे प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल विज़िट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।